कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं बदलते, जैसे कि मेरा भाई। गलतियों से इसका पुराना रिश्ता है, फिर भी दुनिया से इसकी हर गलती छुपाती हूँ। सदियां बीत गई इससे एक कॉम्प्लीमेंट पाने में। कॉमेडी की है अक्षय कुमार ने, किन किरदारों को ठीक से मूवी में यूज नहीं किया गया है। हेलो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है रक्षाबंधन मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्षय कुमार वो एक्टर जिनके लिए कहा जाता है कि साल में चार फिल्में करते हैं, उनकी पिछली दो फिल्में बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज नहीं चली। फिर जब पता चला कि उनकी अगली रिलीज आनंद एल राय की मूवी रक्षाबंधन होगी, तब कहा गया कि वो फिर से फीलिंग्स वाले सिनेमा की ओर लौट रहे हैं। रक्षाबंधन अब रिलीज हो चुकी है। इमोशन, कहानी, एक्टिंग आदि जैसे पॉइंट्स पर मूवी कितनी मजबूत है, आज के रिव्यू में उसी पर बात करेंगे। जब रक्षाबंधन का ट्रेलर आया था, तब जनता कंफ्यूज थी। ट्रेलर को देखकर लग रहा था कि मूवी इमोशन के लेवल पर खरी उतरेगी। फिर उसमें ऐसे डायलॉग सुनने की, चार महीने में बेटी को निपटा दूंगा यानी उसकी शादी करवा दूंगा। कहानी का हीरो अपनी बहनों के लिए दहेज इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। ऐसे में लगा कि बेटियां पराया धन होती हैं वाला घिसा पिटा नैरेटिव क्यों ढकेल रहे हो। इन सब बातों के बीच एक बात पर भरोसा था, मूवी के लेखक कनिका ढिल्लो और हिमांशु शर्मा पर। ये दोनों सेंसिबल लोग हैं, बेटियां बोझ हैं वाली कहानी तो नहीं ही दिखाएंगे। हिमांशु और कनिका ने लाला और उसके आसपास के किरदारों के जरिए प्रॉब्लमैटिक या दकियानूसी चीजों को एक्सट्रीम पर ले जाने के लिए कोशिश की है। आनंद एल राय की फिल्मों के किरदार पूरे नहीं होते, ना ही टिपिकल हीरो नुमा होते हैं, वो अपनी खामियां अपने साथ लेकर चलते हैं। अक्षय कुमार का किरदार लाला भी ऐसा ही है, अपनी बहनों का हर मुमकिन तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करेगा, कम से कम जैसा उसे सोसाइटी ने सिखाया है। बस शादी वाले पक्ष पर उसे कुछ सुनाई दिखाई नहीं पड़ता। मूवी उसकी खामियों को उजागर रूप में नहीं दिखाना चाहती, जितना वो उसके लिए बलिदानों पर बात करती है। औरतों के लिए वोकल होने वाली रक्षाबंधन अपनी सुई उस विचारधारा पर लाकर खड़ी कर देती है, जहां किसी आदमी से अपनी बहनों के लिए बलिदान देना अपेक्षित हो। रक्षाबंधन के प्रमोशन के दौरान ये बात आई थी कि अक्षय कुमार के करियर की सबसे छोटी मूवी है। मेरे विचार में किसी और मूवी को इस उपाधि का गौरव बख्शा जाना चाहिए था। 1 घंटे 50 मिनट की लेंथ के चक्कर में मूवी बहुत जगह भगाती है, उसे थोड़ा डटना चाहिए था। अपने किरदारों और अपनी ऑडियंस दोनों के लिए इसी रफ्तार की वजह से रक्षाबंधन के पास याद रखे जाने के रूप में सिर्फ कुछ पल रह जाते हैं। फिल्म के कुछ पल इमोशनल सीन अपना काम करते हैं, लेकिन ये बस कुछ बनकर रह जाते हैं। बाकी बची मूवी इन हिस्सों के साथ इंसाफ नहीं कर पाती। काफी समय बाद अक्षय को फिजिकल कॉमेडी करते देखा। प्रियदर्शन की फिल्में देखी होंगी तो बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी कॉमेडी टाइमिंग कैसी है, यहाँ भी आपको वो दिखेगा। उनके हिस्से कुछ अच्छे इमोशनल सीन्स आए जहाँ वो अपना काम कर देती हैं। उनकी बहनों का रोल निभाया है सादिया खतीब, दीपिका खन्ना और स्मृति श्रीकांत ने। दुर्भाग्यवश उनके किरदारों को फिल्म में ठीक से नहीं यूज किया गया है, ये एक बड़ी शिकायत है। कुछ ऐसा ही भूमि पेडनेकर के साथ भी है, जिन्होंने मूवी में सपना नाम का किरदार निभाया है। बेसिकली सपना केदारनाथ की लव इंटरेस्ट है। मूवी की लेंथ बढ़ाकर इन किरदारों के आगे पीछे की कहानी और ढंग से दिखाई जा सकती थी। रक्षाबंधन उस सोच पर चोट करना चाहती है जिसके मुताबिक दहेज देने में भाई या पिता गर्व महसूस करता है, ऐसा मानता है कि बहन या बेटी के लिए कुछ कर रहा हूँ। एक हद तक अपनी कोशिश में कामयाब भी होती है, लेकिन सिर्फ एक हद तक, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मूवी की लिखाई अपनी मैसेजिंग में कंफ्यूज हो जाती है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर झट से चली जाती है। ऐसा शायद मूवी की सीमित लेंथ की वजह से किया गया हो। वेल, आपने देखी कि नहीं ये मूवी, आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सो गाइस, अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीजन से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।